हेलो फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में पोर्स लार्ज हो जाते हैं, ऑयल क्रिएट बहुत ज़्यादा होता है हमारी स्किन पे और डलनेस आ जाती है और हमारे चेहरे पे टैनिंग बढ़ने लग जाती है। तो उसके लिए बेस्ट मास्क मैं आज लेकर आई हूँ। बोल में सबसे पहले एक या आधा चम्मच आप बेसन लेंगे, आधा चम्मच ही आप मुल्तानी मिट्टी पाउडर लेंगे। मुल्तानी मिट्टी एक्स्ट्रा ऑयल को रिड्यूस करके हमारे पोर्स को श्रिंक कर देती है। पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी ऐड कर लेंगे हमारे चेहरे पर दाग धब्बों को और हमारे चेहरे की नेचुरल चमक को बढ़ाती है। आधा या एक चम्मच आपको गेहूं का आटा लेना है। हमारी स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और मॉइस्चर करता है हमारी स्किन को, जो गर्मी के मौसम में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने टमाटो जूस ऐड किया है, आप चाहो तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। हमारी स्किन के पोर्स को अच्छे से क्लीन कर देता है और कोलेजन को बूस्ट करता है। एक चम्मच इसमें कच्चा दूध लेंगे ताकि ड्राइनेस ना आए हमारी स्किन और नरिश रहे और मॉइस्चर बरकरार रहे हमारी स्किन में। चाहे ऑयली स्किन है उनके लिए भी मॉइस्चर करना स्किन को बहुत ज़रूरी होता है। सभी इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मुल्तानी मिट्टी हमारे चेहरे पे डलनेस को दूर करके हमारी चेहरे को लिफ्ट करती है, हमारी स्किन को टाइट भी करती है और गर्मी के मौसम में ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट फेस मास्क है। जो कालापन और टैनिंग है उसको हल्दी और बेसन हटा देंगे। कच्चा दूध हमारी स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बना देगा। तो इस पेस्ट को बनाने के बाद आपको 20-25 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करना है अच्छे से वॉश करके, और उसके बाद नॉर्मल पानी से आप धो लेंगे और अच्छा मॉइस्चर जरूर अपनी स्किन पर लगाएं। और उसके बाद कोई टोनर लगा सकते हैं या आइसिंग अपने फेस पर आप कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो आपका चेहरा खिला खिला नज़र आएगा। ऐसे ही हेल्दी टिप्स के साथ आती हूँ। थैंक।